बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, बीजेपी तो चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो जाए। हमें बीजेपी के जाल में, भाजपा वाले जब मुझे मिलते हैं तो मुझसे अक्सर पूछते हैं, कहते हैं कि भाई भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास तो बहुत पैसा है, संसाधन है, गोदी मीडिया है, ईडी है, सीबीआई है, इतना बड़ा संगठन है, सरकारी सिस्टम है, तुम लोगों के पास क्या है? तब मैं उन लोगों को कहता हूं, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। तरह भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि भाजपा का काल अरविंद केजरीवाल बनेंगे, और इसी के चलते भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद करना चाहती है। साथियों, जब ये हमारी आम आदमी पार्टी को खरीद नहीं पाए, हमारी पार्टी को तोड़ नहीं पाए, तो भाजपा ने अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, एक जाल बिछाया है। ध्यान से सुनिएगा, उस जाल के केंद्र में है अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजना। भाजपा को लगता है कि अगर केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया तो आम आदमी पार्टी ठप हो जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बंद हो जाएगी, और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना है, सरकार को बर्बाद करना है तो केजरीवाल को जेल में डालो। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी इस वक्त कई बड़ी चुनौतियों का सामना करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई सवाल जो बार बार उठते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरह के दावे जो आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी को लेकर कर रही है, जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर कर रही है और अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 30 अक्टूबर को ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। ये समन दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बाद से बार बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी, उनके जेल जाने और मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। और अब अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा बयान दे दिया, जिसमें वे साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि वे अपने इस्तीफे को, वे मुख्यमंत्री पद को जूते की नोक पर रखते हैं। अब इसके बाद उनके इस बयान को लेकर के कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, सीधे सीधे बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है और अब दिल्ली की जनता भी इस बात को लेकर के आशंका जाहिर कर रही है कि जिस पार्टी को ईमानदार समझा था, क्या वो वाकई में ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वे लगातार चुनावी जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी वे पंजाब के दौरे पर रहे। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का ये बयान क्या उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है, क्योंकि ईमानदारी का चोला पहनी आम आदमी पार्टी लगातार अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है। और अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दे दिया कि वे अपने इस्तीफे को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही है। उन्हीं के समर्थन में उतरे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा उनकी गिरफ्तारी को लेकर, इस्तीफे को लेकर और जेल जाने को लेकर किस तरह से अरविंद केजरीवाल के बयान पर लीपापोती कर रहे हैं, सुनिए जरा। भाजपा वाले जब मुझे मिलते हैं तो मुझसे अक्सर पूछते हैं, कहते हैं कि भाई भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास तो बहुत पैसा है, संसाधन है, गोदी मीडिया है, ईडी है, सीबीआई है, इतना बड़ा संगठन है, सरकारी सिस्टम है, तुम लोगों के पास क्या है? तब मैं उन लोगों को कहता हूं, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। साथियों, भारतीय जनता पार्टी इसी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारे
अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करना चाहती, उन्हें जेल में डालना चाहती, उन्हें खत्म करना चाहती। जैसे कंस को यह मालूम था कि देव की नंदन ही उनका वध करेंगे, देव की नंदन ही उनका काल बनेंगे, और उन्होंने इसी के चलते देव की और वासुदेव को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि भाजपा का काल अरविंद केजरीवाल बनेंगे, और इसी के चलते भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद करना चाहती। पिछले 10 सालों में भाजपा ने बड़ी कोशिशें करी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर शारीरिक हमले कराए, उनके परिवार को न जाने क्या क्या गालियां दी, उनके विधायकों पर दर्जनों मुकदमे कराए, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया, और उपराज्यपाल से लेकर राज्यपाल तक, नोटिफिकेशन से लेकर अध्यादेश तक हर संभव कोशिश करी कि केजरीवाल सरकार को ठप करो। लेकिन यह आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है कि केजरीवाल ना आज तक रुका है और केजरीवाल ना आज तक झुका है। साथियों, साथियों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जितना जुल्म अरविंद केजरीवाल जी ने सहा है, इतना जुल्म किसी और नेता पर किया गया होता तो शायद वो सह नहीं पाता, वो पार्टी सह नहीं पाती साथियों। और वो इसलिए संभव है क्योंकि केजरीवाल जी ने लोगों की सेवा कर दुआएं कमाई, और भाजपा ने लोगों की जिंदगी दुश्वर कर उनकी बददुआएं कमाई। अरविंद केजरीवाल जी ने घर का बेटा बनके, परिवार का बड़ा भाई बनकर लोगों की सेवा कर पुण्य कमाया, और बीजेपी वालों ने आम आदमी की जिंदगी और हालात मुश्किल कर पाप कमाए। ये केजरीवाल जी के पुण्य और दिल्ली और देश की जनता की दुआओं की बदौलत है कि इतना कष्ट और इतनी सारी परेशानियां झेलकर भी आज आपके नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच खड़े हैं और आम आदमी पार्टी की इस सेना को सेनापति बनकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथियों, जब ये हमारी आम आदमी पार्टी को खरीद नहीं पाए, हमारी पार्टी को तोड़ नहीं पाए, तो भाजपा ने अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, एक जाल बिछाया है। ध्यान से सुनिएगा, उस जाल के केंद्र में है अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजना। भाजपा को लगता है कि अगर केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया तो आम आदमी पार्टी ठप हो जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बंद हो जाएगी, और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना है, सरकार को बर्बाद करना है तो केजरीवाल को जेल में डालो। लेकिन आज मैं इस मंच से पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि चाहे यह आपको जेल में बंद करे, चाहे सड़क हो, सचिवालय हो या जेल हो, सरकार अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, बीजेपी तो चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो जाए। हमें बीजेपी के जाल में नहीं फंसना। दिल्ली के लाखों करोड़ों लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया था, अपने प्यारे बेटे, अपने परिवार के बड़े भाई अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, अपनी तकदीर की चाबी अपने बेटे केजरीवाल के हाथ में थामी थी। इसीलिए चाहे जेल हो, सड़क हो, सचिवालय हो, सरकार अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। और अंत में क्योंकि आम आदमी पार्टी एक संघर्ष के दौर से गुजर रही है, मैं आप सबको, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि घबराओ मत, क्योंकि छिड़ी है लड़ाई,
तो दूर तक जाएगी, छिड़ी है लड़ाई तो दूर तक जाएगी, आज उनकी बारी है कल हमारी आएगी। भारत माता की, इंकलाब वंदे। देखा आपने और सुना भी। देखिए, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर ना तो हम सवाल उठा रहे हैं और ना ही जनता सवाल उठा रही है, लेकिन जिस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इसके बाद अब उनकी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी शुरुआती दौर से ही दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी है वो पूरी तरह से एक झूठ का पुलिंदा है और सबसे ज्यादा भ्रष्ट ये पार्टी है। ये तमाम दावे अब बीजेपी से कई बड़े मंत्री करते हुए नजर आए और अब ऐसे में सवाल लगातार उठ रहा है कि किस तरह से अब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। और जिस तरह से वे बार-बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मैंने अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के समर्थकों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे घर-घर जाएं दिल्ली की जनता के और उनसे पूछें कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल में रहकर सरकार चलानी चाहिए। ऐसे तमाम दावे जो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है कि ईडी सीबीआई आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी, क्योंकि सीधे सीधे ईडी सीबीआई पर प्रेशर बनाया जा रहा है। अब प्रेशर यहां पर आखिरकार कौन बना रहा है? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के दावों को देखें तो वो सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर शक की सुई जो है उसे घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं। हाल ही में अगर बात करें तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि जो जेल है वहां पर सीधे सीधे कैदियों को सुविधा प्राप्त कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन सीधे सीधे उनसे पैसे की मांग करते हैं कि उन्हें ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं। ये तमाम दावे जिस तरह से इस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर किए जा रहे हैं, अगर सच साबित होते हैं, जांच में दोषी अरविंद केजरीवाल पाए जाते हैं तो उनका गिरफ्तार होना और जेल जाना लगभग तय है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी ईमानदार है या फिर भ्रष्टाचार के पूरी तरह से रंग में रंगी हुई है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।